हेलो गाइस, मैं हूं अमित और ये है एक क्रिकेट बैट। और आपको पता है ये होता है लकड़ी का। आप लोग भी क्रिकेट खेलते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो बैट है वो अगर लकड़ी का ना हो कि किसी और चीज़ का हो तो क्या होगा? तो आज हम लोग इस लकड़ी के बैट की जगह एक मेटल का बैट बनाने वाले हैं। जी हाँ, आपके सामने मेटल का जो बैट है वो तैयार करेंगे। पूरी कास्टिंग प्रोसेस यहाँ पर लगानी पड़ेगी, यानी कि मेटल को पिघलाना पड़ेगा, इसके लिए एक सांचा बनाना पड़ेगा इसी बैट से, और उसके बाद में हम जो है मेटल का बैट तैयार करेंगे और फिर देखेंगे कि वो बैट कैसा दिखता है, कितना उसमें वेट होता है और कैसे हम उससे खेल पाते हैं। दोस्तों कमाल का आइडिया ना यार, मेटल का बैट, ठीक है। लेकिन हम लोग बनाने वाले हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा लगने वाली है इस वीडियो में, लेकिन हम आपके लिए करने वाले हैं। तो आप लोग भी वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक का बटन जरूर से दबा देना। तो फटाफट से शुरू करते हैं। अब दोस्तों जो बैट का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है और हमारी नॉर्मल कास्टिंग के सांचे में ये नहीं आ रहा था, तो इसके लिए हमने स्पेशली एक सांचा बनाया है यहाँ पर। और ये जो है दोस्तों एक बॉक्स आप मान सकते हैं, जो कि बिना पैंदे के और बिना टॉप का है, आप लोग देख सकते हो, और इसके अंदर जो बैट है वो फिट आ जाएगा। इनफैक्ट ये जो बैट के लिए बना हुआ है, देखो ये इसके अंदर कुछ इस तरीके से रखा जाएगा। यहाँ पर कम से कम 2-2 इंच का गैप होना चाहिए, साइड्स में भी, आगे पीछे भी, ऊपर नीचे भी। तो अब हमको आना है अपनी कास्टिंग के ऊपर। हम जो यहाँ पर सैंड कास्टिंग प्रोसेस का यूज़ करेंगे, जिसका यूज़ करके हमने और भी कई चीज़ें बनाई है। अपने आप में काफ़ी मज़ेदार है कि यार मिट्टी का यूज़ करके हम मेटल की चीज़ें बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने वो जो मिट्टी का मैजिकल मिक्सचर है वो तैयार कर लिया है। इसके अंदर कई मिट्टियाँ डलती हैं, इसके अंदर पानी डलता है और भी कुछ चीज़ें डल के ये मिक्सचर तैयार होता है, जो कि कास्टिंग के लिए एकदम परफेक्ट होता है। तो अब इसको शिफ्ट करना है इसमें, उसके बाद में इसका सांचा बनाएंगे जो बैट है उसका यूज़ करके, ठीक है। तो इसमें डालना स्टार्ट करते हैं, और आधा इसको मैं अभी खोल लेता हूँ। आधे के अंदर हमको ये मिट्टी डालनी है। तो गाइज मिट्टी भर करके अब मैं इसमें बैट के लिए जगह बना रहा हूँ, और बिल्कुल इसको एग्जैक्ट रखना पड़ेगा। 2-2 इंचेस का गैप है दोनों तरफ। इसको मैं हल्का सा भी दबा दे रहा हूँ ताकि इसके लिए यहाँ पर जगह बन जाए। तो गाइज हमारा जो मोल्ड है क्रिकेट बैट का वो अब एकदम तैयार है, और काफी बारीकी से काफी टाइम देने के बाद में धीरे धीरे करके ये बना है। ये जो है हमने ऊपर होल्स रखे हैं ताकि इनमें से हम एल्यूमिनियम डाल सकें। तो अब बारी है मोल्टन एल्यूमिनियम लाने की और इसमें डालने की आराम से। तो गाइज यहाँ पर जो हमारी पेटी है वो खुल चुकी है, एकदम स्लो, बस इसको यहाँ रोक के रखना बस। तो गाइज यहाँ पर बैट की जो शेप है आप लोग देख सकते हो कि इसमें किस तरीके से बनी है, और अब हमको सिंपली हमारा जो बैट है उसको उठा करके ऐसे की ऐसे निकाल लेना है, और इसको ऐसे की ऐसे एकदम स्लो, एकदम है ना, बिल्कुल स्लो, आराम से आराम से। तो भाई यहाँ पर सांचा तैयार है, अब चलते हैं मोल्टन एल्यूमिनियम की तरफ। तो भाई यहाँ पर इस भट्टी के अंदर काफ़ी देर से जो एल्यूमिनियम मेटल है वो आप लोग देख सकते हो कि पिघल रहा है। मैं इसको कम करके आपको दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा हीट आ रही है, और आप लोग देखो कि जो मेटल है वो एकदम पिघला हुआ है। तो भैया यही चाहिए कास्टिंग के लिए, इसको करते हैं बंद। तो गाइस जो मोल्टन मेटल है वो इसके अंदर फरे जा रहा है, और यार हो सकता है हमको एक दो बार जो है एल्यूमिनियम गर्म करना पड़े, और ये जो है अब तक तो पूरा नहीं भरा है, तो एल्यूमिनियम दिखाई दे रहा है लेकिन भैया ये कम पड़ गया और मेल्ट करना पड़ेगा। दोस्तों दोबारा एल्यूमिनियम गर्म करते करते रात हो चुकी, और अब आप लोग देखो इसका असली लुक भाई, ये है मोल्टन एल्यूमिनियम। गर्मा गर्म डालना पड़ेगा क्योंकि जो पिछली बार वाला है वो ठंडा हो जाएगा, वो ठंडा हो चुका होगा काफ़ी हद तक, तो बहुत जल्दी यहाँ पर करना पड़ेगा हमको, क्योंकि भाई ये जो है पिछले वाले पे वेल्ड होना चाहिए। इस साइड से आ चुका है, लेकिन यहाँ पर कुछ ब्लॉकेज लग रहा है मुझे, कोई बात नहीं, दूसरा होल है हमारे पास में, और यहाँ पर जो पांचों होल्स हैं उनमें से आ चुका है एल्यूमिनियम। इसमें भी डाल देते हैं अगर कुछ कसर रह गई है तो। जी नहीं, सारे होल्स में से जो एल्यूमिनियम है वो बाहर आ चुका है। इसका मतलब है कि हमारा जो पर्पज़ है भाई साहब वो कम्प्लीट हो चुका है, और इसमें अब जो है थोड़ा सा एल्यूमिनियम बच गया है। और यार
चलो अच्छी बात है, कम से कम दो बार गर्म करने पर ये भर तो गया, नहीं भरता तो भी हम कुछ नहीं कर पाते। एक बार फिर से करते गर्म, हालत आप लोग देख सकते हो, भट्टी के पास में रह रह के यार बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इतना गर्म है अभी भी मेरे पास, इतनी हीट आ रही है इसकी। तो अब एक काम करते हैं, इसको ठंडा होने देते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि जो मेटल का बैट है आखिरकार वो कैसा बना है। तो भाई कल हो गया था अंधेरा, हमने एल्यूमिनियम डाल दिया था और वो जो है सेटल हो चुका है। आज अगला दिन है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सब कुछ एकदम ठंडा हो चुका है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हमने इसको दे दिया है। तो अब बारी है इसको खोलने की और इसमें से अपना बैट निकालने की। अब मुझे भी ये नहीं पता कि कैसा बना है अंदर या क्या जुगाड़ है, जितना आपको दिख रहा है उतना ही मुझे पता है, भले ये पूरे दिन से रखा है क्योंकि हमने इसको कुछ भी हिलाया तक नहीं है, ठीक है। तो अब मैं इसको खोल रहा हूँ और देखते हैं अंदर क्या है। तो भाई अरे यार ये तो पूरा एक साथ उठ नहीं रहा है, ओहो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो भाई आधा बॉक्स खुल गया है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो मिट्टी है वो इसके साथ नहीं हटी, हमको हटानी पड़ेगी। तो भाई यहाँ पर जो बैट है वो आपके सामने, तो भारी है दोस्तों। दो बार कास्टिंग करने के बाद भी, मतलब कि दो बार पिघला हुआ एल्यूमिनियम डाल करके भी जो बैट है वो हमारे सामने आ चुका है। और अभी इसका वेट भी करेंगे, आपको दिखाएंगे कि इसके और इसके वजन में कितना डिफरेंस है। लेकिन उससे पहले इसके ये जो चीज़ें हैं ये हटाना पड़ेगा, जहाँ से हमने जो एल्यूमिनियम है वो डाला था, उसके बाद में आपको इसकी जो शेप है वो अच्छे से दिखेगी। भाई फाइनली जो एल्यूमिनियम का बैट है वो यहां पर तैयार है, आप लोगों के सामने पूरी फिनिशिंग हो चुकी है। ये है हमारा नॉर्मल लकड़ी का बैट और ये है एल्यूमिनियम का बैट जो कि हमने इसी बैट का यूज करके बनाया है आप लोगों के सामने। और आप लोग अब देख सकते हैं कि ये जो बैट है एकदम तैयार है। आप लोग एक बार इसका लुक देख सकते हो कि ये जो है किस तरीके का पूरा सिल्वर कलर का दिख रहा है। इवन एक बार देखो पास आके दिखाओ, देखो इसकी जो ग्रिप है ना भाई साहब, वो भी ऐसे की ऐसे आई है। देखो एक बार जो इसकी जो ग्रिप थी बिल्कुल इसमें वो मैच हो रही है क्योंकि इसी से ये बना है। देखो कितना बारीकी से जो ये ग्रिप है ये इसके ऊपर आई है। और बाकी जो पूरा बैट है उसका डिजाइन आप देख सकते हो पीछे से, एकदम इसकी ये जो स्पाइन है वो कितनी बढ़िया से यहां पर देखो क्या शेप आई है। एल्यूमिनियम से आखिरकार हमने बैट बना डाला है। और इसका जो वेट है ना वो यार सबसे ज्यादा अजीब चीज लग रही है अब, लेकिन ऑब्वियसली यार ये जो है मेटल का बना हुआ है इसलिए भारी तो होना ही है। शुरू में जब मैंने इसको हाथ में लिया था ना, मैंने जितना सोचा था उससे कहीं भारी लग रहा था। तो यहाँ पर अब जो है वेट कर लेते हैं जरा, जिससे कि सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये है वेइंग मशीन, इसको कर लेते हैं जीरो। नॉर्मल हमारा जो बैट है उसमें वजन है 1162 ग्राम के आसपास, यानी कि 1160 अपन मान सकते हैं इसमें लगभग वेट है लकड़ी के बैट में। अब क्या आप गेस कर सकते हो कि एल्यूमिनियम के बैट में कितना वजन होगा? वीडियो को रोको, नीचे कमेंट करो कि कितना वजन होगा और राज खुलने वाला आपके सामने, जल्दी से बताओ नीचे कमेंट्स में, जल्दी बताओ। तो भाई अब देखते हैं कितना वेट है, आप कितना सही हो ये भी बताना मुझे, झूठ नहीं बोलेगा कोई, सब लोग सच बोलेंगे नीचे कमेंट्स में, ठीक है। अबे मशीन बंद हो गई, चलो कोई बात नहीं। और यहां पर ये लो गाइस, इसके अंदर है 6 किलो 150 ग्राम, यानी कि 6.15 किलोग्राम। इसके अंदर 6 किलो से ज्यादा वजन है जबकि इसके अंदर 1162 ग्राम वजन था। तो अब बारी है इससे खेल करके देखने की और डिफरेंस देखने की कि नॉर्मल बैट से और इस एल्यूमिनियम के मेटल के बैट से खेलने में कितना फर्क आता है। ऑलरेडी मेरे इस हाथ की इस रिस्ट के अंदर दर्द शुरू हो चुका है क्योंकि इसके अंदर वेट बहुत ज़्यादा है, इसको ऐसे उठाना ही अपने आप में दर्द हो रहा है मुझे यहाँ पे उठाने में इसको, ठीक है। तो चलो इससे खेल के देखते हैं गाइस, ये नॉर्मल लकड़ी का बैट है। तो
गाइस कुछ इस तरीके से नॉर्मल बैट से हम खेल सकते हैं, एकदम नॉर्मल फील हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा एडवांस नहीं हो रहा। तो अब इसको रख देता हूँ, एल्यूमिनियम वाला उठा लेता हूँ। और यार भाई इतना ज्यादा वेट है इसमें, अबे यार ये ऊपर ही नहीं आ रहा है ऐसे मारने के लिए। चलो देखते हैं, खिला चोट तो लग गया लेकिन ये एक बार हाथ से घुमाने के बाद में रुकता नहीं है मुझसे ही। अबे इतना मूवमेंट नहीं है इसमें, सीधा फेंको। अबे यार गाइस बहुत हैवी है, जान निकल जाती है बैट को घुमाने में। आउट है, कहाँ आउट है, LBW बैट को टच है। आंधे, अबे यार गाइस इतना ज्यादा ये बैट हैवी है, पसीना आ गया मुझे 10 बॉल्स खेलने में। तो गाइस यहां पर हमने आप लोगों के लिए बना दिया है एल्युमिनियम का बैट, और इससे जो है आप चाहो तो वर्कआउट भी कर सकते हो। गाइस सच्ची में मेरे हाथों में दर्द होने लग गया यार, 6 किलो की चीज पकड़ के इधर उधर घुमाते रहने में, यही होगा ऑब्वियसली। और आप लोग लेकिन ये देखो कि क्या मस्त फिनिशिंग के साथ ये बना है, देखो एक बार, वाओ। और यहाँ पर ग्रिप देखो, ग्रिप का जो डिज़ाइन है वो एज इट इज़ इसके ऊपर क्या मस्त तरीके से प्रिंट हुआ है। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपने पहली बार कोई ऐसा मेटल का बैट देखा होगा जो कि पूरी तरीके से बना हुआ है, मेटल का, एल्यूमिनियम का, और हमने आपके सामने बनाया है। तो अगर आपको मज़ा आया वीडियो में तो वीडियो के लिए लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए। अबे रुक जा, तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।